मार्केट जैसा परफेक्ट खमन ढोकला बनाने के लिए मैं यहाँ 1.5 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। बेसन को छन्नी में डालकर छान लेंगे। 1 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून टार्टरी या सिट्रिक एसिड डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा हींग डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा लुकवॉर्म वाटर से धीरे धीरे बैटर को मिक्स करना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप लुकवॉर्म वाटर यूज़ किया है। हमें करीब 1/4 कप पानी बैटर को बनाने में लगेगा। अब 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 1.5 चम्मच करीब चिली जिंजर पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ढोकला स्टीम करने के लिए मैं यहाँ इडली मेकर यूज़ कर रही हूँ। अब 1 केक टिन में ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब 1.5 चम्मच करीब इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा एकदम हल्का हो चुका है, एकदम फ्लफ़ी है। अब केक टिन में पूरे बैटर को एक साथ डाल देंगे और जल्दी से उसे ढककर फुल फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने दें। ढोकला हमारा स्टीम हो चुका है। अब तड़के के लिए 1 पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड डालेंगे। 2 ग्रीन चिली स्लाइस में कट करके डालेंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। फिर 1/2 कप पानी डालेंगे। 1 चम्मच शुगर डालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस डाल के मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब ढोकले पर स्पून से पूरा तड़का डालेंगे। ढोकले को कट कर लेंगे। फिर फ्रिज में 1/2 घंटा रखने के बाद सर्व करेंगे।